गिफ्ट किया था मैंने। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंचरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं यहाँ पर रेडी दिख रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। आज मेरे सास ससुर मतलब मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ माँ पापा जी की एनिवर्सरी है, तो हम उसके सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं और थोड़ा पहले जा रहे हैं कि मंदिर भी दर्शन कर लेंगे और साथ में कुछ शॉपिंग का काम है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो चलिए देखते हैं कि आज का ब्लॉग कैसा रहता है और आप सब कमेंट बॉक्स में विश कर सकते हैं मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी को। तो चलिए देखते हैं। लुक, मैंने बहुत कंफर्टेबल सा कॉटन का एक सूट पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा सूट है, मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। मैं वहीं थी इटारसी में तो उन्होंने मेरी पसंद से दिला दिया था। और ये मैंने मेरी पहनी है वॉच, दैट इज़ इट। और अविक को दिखाती हूँ, अभी अविक को जाके रेडी करना है तो उसको रेडी करके फिर मैं उसका लुक दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं नीचे। अविक कभी सीधे खड़े होकर फ़ोटो या वीडियो बनवा ले ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ भाई साहब रेडी होकर नीचे उतर रहे थे, साथ साथ में मैं भी। और अब देखो आपको बहुत प्यारा सनसेट दिखाती हूँ। तो रास्ते में इतना प्यारा सनसेट दिखा दो, मैंने सोचा चलो इसका तो वीडियो बनाना बनता है। और फिर हम निकल गए थे यवतमाल के लिए। हमारे यहाँ से पास में ही वही बड़ी सिटी है जहाँ हम हमेशा जाते हैं, लगभग आधा घंटा लगता है हमें जाने में वहाँ। तो बस वहाँ के लिए हम निकल गए थे और सनसेट देखो, एंजॉय करो कितना प्यारा लग रहा है। तो हम चारों ही थे, माँ पापा जी, मैं और संकेत, एंड सॉरी पांचों, अविक भी तो था हमारे साथ में। फिर हम वहाँ जाके छोटे छोटे काम किए और उसके बाद मुझे दिख गए थे पानीपुरी वाले भैया। इनके ठेले पे मत जाना बट पानीपुरी काफ़ी अच्छी बनाते हैं ये। तो फिर हम उनके पास चले गए थे पानीपुरी खाने के लिए और यहाँ अविक देखो कैसे मीठी पूरी खा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हमने और मार्केट में स्पेंड किया क्योंकि मुझे अविक को भी रखना था और हमारा जो मार्केट के काम थे वो भी कंप्लीट करने थे, तो ब्लॉगिंग करना कुछ हुआ नहीं पॉसिबल। फिर यहाँ एक यवतमाल में नया प्ले जोन खुला है द किड्जी, मैं वहाँ अविक को लेके चली गई थी। मैंने इनका एड इंस्टाग्राम पे देखा था, तब से ही मुझे यहाँ जाके देखना था कि ये बना कैसा है। काफ़ी छोटी स्पेस में बना है लेकिन बहुत अच्छा है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। हमारा अविक तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर लेता है। और छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ चीज़ें हैं, बॉल पूल है एंड बहुत सारी अदर अदर एक्टिविटी है। एंड सैटरडे संडे को इनकी कुछ अदर और स्पेशल एक्टिविटीज़ होती है तो वो भी आप देख सकते हैं, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। एक घंटे के चार्जेस शायद 320 रुपीज़ थे बट वर्थ करते हैं यदि आपका बच्चा वो चीज़ इंजॉय कर रहा है तो। एंड अविक तो भाई उसने इतना ज़्यादा इंजॉय किया है। एंड यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा स्टाफ है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है बच्चों की। मैं और माँ तो हम दोनों थे तो हम दोनों तो बैठ गए थे सीट पर, हम हमारे गप्पे मार रहे थे एंड अविक को उसके वहाँ के स्टाफ ही देख रहे थे और काफ़ी अच्छे रख रहे थे। बहुत अदर अदर एक्टिविटीज़ हैं और भी वहाँ, जो सैटरडे संडे के भी गेम्स होते हैं तो वो भी अलग अलग रहते हैं बच्चों के लिए एज वाइज। जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अविक को हमेशा बॉल पूल ही पसंद आता है तो वो बस यहाँ पे ही बॉल में ही खेलता है। वो कहीं के भी प्ले एरिया में चले जाए उसको सिर्फ ये बॉल वाला एरिया ही ज़्यादा पसंद आता है और वो वहीं ज़्यादा इंजॉय करता है। जबकि यहाँ पे जंपिंग वगैरह के भी थे और भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ थी बट उसने कुछ भी नहीं करी, वो सिर्फ बॉल पूल में ही खेला है पूरे टाइम पे। जबकि मैं उसको कितनी बार लेके आई कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ अविक यहाँ पे यहाँ पे, और बना हुआ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यदि आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरे आसपास कहीं रहते हैं और आप बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी ढूंढते रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये यवतमाल का द किड्जी करके इनका ना इंस्टाग्राम भी अकाउंट है तो आप उनसे भी इनको फॉलो करके एड्रेस वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है।
सो ये संडे एक्टिविटी थी जिसमें बच्चे जिस पे भी रिंग डालेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी तो वो उनको गिफ्ट में मिलेगी। और यहाँ देखो अविक को मिली है कार, वो बहुत खुश हो गया था। उसको फ्रूटी भी चाहिए थी, बट यहाँ का स्टाफ इतना ज़्यादा प्यारा है, बाद में निकलते टाइम उसको यहाँ जो ऑनर है यहाँ की मैम, उन्होंने उसे फ्रूटी भी दे दी थी एज गिफ्ट। तो अविक तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, ये देखो कितना प्यार पार्स से आके डाल रहा था फ्रूटी पे ताकि उसको मिल जाए। फिर ये देखो फ्रूटी लेके हम निकले, देन मैं गई पिस्ता शॉप, बेकरी है जो वहाँ पे बहुत सारे केक्स थे तो मुझे कुछ एकदम छोटू सा क्यूट सा कोजी सा लेना था। तो यहाँ कुछ बेंटो केक के ऑप्शन थे तो मैंने जो लिया है वो ये वाला लिया है जो अब आपको दिख रहा है आइसिंग किया हुआ। फिर मैंने इस पे माँ पापा लिखवाया, एंड आज उनकी ना 39 ईयर एनिवर्सरी थी, 39th एनिवर्सरी थी। ओ माय गॉड, इतने साल वो लोग साथ में रह लिए, लाइक अभी हमारी जनरेशन को तो 5-6 साल नहीं रहना भी मुश्किल हो जाता है, और उन्होंने 39 ईयर्स साथ में स्पेंड किए हैं। फिर हम चले गए थे जो हमारा डिसाइडेड था रेस्टोरेंट होटल जाना, हम वहाँ गए, वहाँ जाके केक वगैरह हमने केक कटिंग करी। तो अभी देखो ये जल रहा था स्पार्कल वाला, तो वो दूर जाके खड़ा हो गया था, फिर आ गया कि चलो अब काटते हैं केक। फिर आके इन तीनों ने केक कट किया, और वैसे भी एनिवर्सरी बर्थडे किसी का भी हो केक कटिंग तो अभी ही करेगा, तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। और टेस्ट बहुत अच्छा था केक का, बहुत मज़ा आया केक खाकर। और बेंटो केक ऐसा रहता है ना कि आप हमें आराम से 2-3 लोग फिनिश कर सकते हैं उसको, तो टेंशन नहीं रहता है उसका। फिर यहाँ माँ पापा जी ने दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले केक खिलाया, और फिर हम सब की बारी आई। फिर ऑर्डर वगैरह दे दिया था, खाना इसका बहुत अच्छा नहीं था, ओके था, बट या इट्स ऑल राइट, ठीक है चलता है, अपने फैमिली टाइम स्पेंड किया। फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, बहुत सारा ऐसा बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, फैमिली वीडियोस बनाए, क्योंकि ना मेमोरी यही है रह जाती है बस। आप जब साल भर बाद 1.5 साल बाद देखेंगे तो आपको यही चीज़ें दिखेंगी कि हाँ आप वहाँ गए थे, आपने ये फ़ोटो क्लिक कराई थी, और यही मेमोरीज़ हैं, बाकी सब चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। फिर हम निकल गए थे लेट नाइट, 10 बज गए थे, हमको लगभग 10:30 बज गए थे वहाँ से निकलने में घर आने के लिए। दैट इज़ इट, बस फिर यही था दिन। हेलो, वेलकम बैक। तो ये था छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ब्लॉग, और कल रात में आने में इतना लेट हो गया था कि कल रात में इसके आगे शूट करना मेरे बस की बात ही नहीं थी। और अभी भी देखो कितने डार्क सर्कल दिख रहे हैं, नींद ही नहीं हुई है, और ऊपर से इतना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है कि जिसके घर नहीं। चलो आज कोशिश करती हूँ सब कंप्लीट करने की। खैर, तो ये जो ब्लॉग था ना, ये पर्टिकुलर मुझे एनिवर्सरी का ब्लॉग नहीं बनाना था, इट्स जस्ट फॉर मेमोरी, फॉर द डॉक्यूमेंटिंग द डे कि हाँ ठीक है इस दिन मैंने ऐसा किया था, बस इसलिए था। तो वो छोटा सा ब्लॉग था, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, और उन कामों के बीच में अविक को साथ में संभालना था, तो फिर मेरा ब्लॉगिंग करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो बस ये था मेरा कल का छोटा सा दिन, छोटा सा सेलिब्रेशन। और बताए, एक और बात बताती हूँ यहाँ पे कि ऐसे जो छोटे छोटे स्पेशल स्पेशल दिन आते हैं ना, उनको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा दिन आखिरी है और वो रह जाएगा बस। तो भले ही अपना करो ना करो, लेकिन अपनों का ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा मोमेंट आखिरी होगा। हाँ, बहुत इमोशनल बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो मैंने ये बात सीखी है हमेशा कि भाई हर चीज़ को ना सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, खासकर ऐसे स्पेशल दिन को साथ में ज़रूर सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं हाथ में हमें, और हम कैपेबल हैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर लेना चाहिए, ताकि हम उस मोमेंट को उस दिन को रिकॉर्ड कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें, और कभी भी देख कर उसे वापस जी सकें। और यदि आप नहीं करते हैं सेलिब्रेट तो किया करिए, अच्छा लगेगा आपको भी। दैट इज़ इट फॉर टुडे, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा सेलिब्रेशन और छोटा सा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ माँ पापा जी को विश भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, लव यू ऑल।